यस गाइस, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशेष दुबे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास एट्थ का बात करने वाला हूँ। हनी ड्यू जो कि इंग्लिश की बुक है, उसके चैप्टर 5 की बात करने वाला हूँ। तो बता दें, चैप्टर 5 का मैं आपको सोल्यूशन पूरा बताने वाला हूँ, जो NCERT का है चैप्टर 5 हनी ड्यू का, जो कि द सुमित विथ इन चैप्टर का नाम है, बता दें आपको। तो चलिए, मैं आपको इसके सलूशन पे ले चलता हूँ सीधे। तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में, अगर आपने बुक निकाल के बैठे होंगे या फिर अगर आपने बुक को देखे होंगे एक बार भी, तो आपको पहला क्वेश्चन पता होगा, आता है कंप्रेशन चेक। तो इसका आपको बताऊंगा मैं। जैसे पहला क्वेश्चन, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज ओवरजॉयड। यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन ओवरजॉयड, ठीक है, मतलब ज़्यादा खुशहाली, वेरी सैड, थोड़ा मतलब बहुत दुखी, और जुबलेंट एंड सैड, मतलब दोनों मिला के। तो इसमें आपको चूज द राइट आंसर चूज करना है। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो आपको तीनों से जो राइट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन, उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, जो है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज जुबलेंट एंड सैड, मतलब राइटर दोनों था जुबलेंट एंड सैड दोनों। तो आपका पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ विक्ट्री ओवर हर्डल्स। जी हाँ, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला ऑप्शन दिया है द विक्ट्री ओवर हर्डल्स, दूसरा दिया है ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है जॉय फॉर ऑफ डिस्कवरी। तो हम बताते हैं आपको, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का क्या है, विक्ट्री ओवर हर्डलेस, द इमोशन ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ द ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। यहाँ पे देख सकते हैं आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन का। तो तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे द सुमित ऑफ द तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द सुमित ऑफ द माइंड वाज रेफर टू द फर्स्ट ऑप्शन ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, एंड सेकेंड ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, एंड थर्ड इज ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, एंड फोर्थ इज लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। थॉट मतलब सोच होता है, इमेजिनेशन मतलब कल्पना होती है, जो हम कल्पना करते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, इमेज के रूप में देखते हैं। द ट्रम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर ए नॉबल कॉज, अ फुलर नॉलेज ऑफ ऑन सेल्फ मार्क द आइटम नॉट रिलेवेंट, जो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है उसी को यहाँ पे मार्क करना है। जी हाँ, तो आपको बता दें आपका ऑप्शन 1 वाला जो हो गया पहला, आपका यहाँ पे ग्रेट इंटेलिटी अचीवमेंट, एंड थर्ड ए वाला हो गया थर्ड, एंड ऑप्शन नंबर 4 ए वाला फोर्थ, एंड ऑप्शन नंबर 5 ये जो है नॉट रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जो क्वेश्चन, इसमें जो एक क्वेश्चन आंसर देना है आपको, बता दें। तो अगर क्वेश्चन आंसर आपको बता दें कि जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बता दें, वाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइंब। वे कौन सी ऐसी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्वालिटी है, जो कि ऑथर को क्लाइंब करने में हेल्प करता है, जो है कि इसका आंसर आपको बता दें कि अगर थ्री क्वालिटीज हैं, प्लेड ए मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ऑथर क्लाइंब, आर इंड्योरेंस, प्रेजिस्टेंस एंड विल पावर, जो कि प्रेजिस्टेंस एंड विल पावर देते हैं, किसको किसको देते हैं, ऑथर को, ठीक है। आपका पहला आंसर क्लियर हुआ होगा। एंड बात करते हैं सेकेंड आंसर का। सेकेंड है, वाई इज एडवेंचर हु इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल, रिस्की एंड प्लेजरेबल दिया हुआ है, ठीक है। आप रिस्की मतलब समझते होंगे, तो रिस्की मतलब होता है जो रिस्क लेते हैं, एडवेंचर इज रिस्की बट प्लेजरेबल, रिस्की के साथ साथ लेकिन प्लेजरेबल, थ्रू इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग सच हार्डलेस एवरेस्ट, इज द हाइएस्ट
एंड द माइटेस्ट एंड मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन क्लाइम्ब्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन सुमित इज क्लाइम्ब्ड। यहाँ पे आप वो बता दें, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं और इसको लर्न करके जिसको आप इस और छोटा भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको छोटा करके आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं माइंड लिस्ट तक, उतना आपका सही रहेगा। यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट एंड ऑथर फाउंड इरेस्टिबल। एवरेस्ट ड्रू हिम टुवर्ड इटसेल्फ बाय इट ब्यूटी एलोफनेस माइट रोडेडनेस एंड डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन अ वे दैट इज वाई ही फाउंड इट इरेस्टिबल। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो क्वेश्चन आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वन डज नॉट डू फॉर सेम इलेवन, वाई डज वन डू इट फॉर रियली। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, यस क्लाइंब पिक, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है, क्लाइंब पिक मीन एड्योरेंस एंड्योरेंस रेजिस्टेंस एंड विल पावर द डोमेस्टेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज एग्जेरेटिंग ए क्लाइंबर एक्सपीरियंस अ पार्ट ऑफ बींग मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, इसको आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं सारे साथ। बात करते हैं 5वां 6वां 7वां, 3 क्वेश्चन और बाकी है। ही बिकम ए कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ इज ओन स्मॉलनेस इन लार्ज यूनिवर्सल द अवेयरनेस डिफाइन एंड इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। व्हाट इज द इमोशन, जो इमोशन था जो आया था वो लार्ज यूनिवर्स में, उसको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को बताना है। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, नहीं भी कम कॉन्शियस स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स अवेयरनेस डिफाइन द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होगा आपका 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो आपको 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दें, वाट आर द सिंबल ऑफ रिवरेंस लिफ्ट बाई मेम्बर ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो यहाँ पर टीम ऑन एवरेस्ट दिया था, ऑन एवरेस्ट क्या हुआ था, ऑन एवरेस्ट पिक्चर ऑफ गुरु नानक जी का पिक्चर वाज लिफ्ट, जो कि लिफ्ट हो चुका था बाई द ऑथर, ऑथर से अ पिक्चर ऑफ गॉडेस, जो कि दुर्गा जी का पिक्चर वाज लिफ्ट बाई रावत से हुआ था, ए रेलिक ऑफ द बुद्धा वाज लिफ्ट बाई पहुदुर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंबल ऑफ रिवरेंस दैट वॉज ऑल्सो द क्रॉस हैड बीन बिल्ड बाई एडमुंड हिलेरी। तो आपको बता दें जो जो पिक्चर लेफ्ट हुआ सबसे उसके बारे में आप बात करते हैं। 7वां लास्ट क्वेश्चन आपका, तो वाट अकॉर्डिंग टू द राइटर टू द एक्सपीरियंस ऑफ एन एवरेस्ट टीच हिम। एवरेस्ट का एक्सपीरियंस हमको क्या बताता है, ये बताता है हमको यहाँ को आप लिखते हैं पे फेस ऑफ लाइफ, इंस्पिरेशन ऑफ फेस ऑफ लाइफ बताता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन खत्म हुआ और हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बता दें आपको वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो आपको यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। वाट आर द ये वाला नहीं कराएंगे, हाँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट, वहाँ पे वो वाला छोड़ दिया मैंने एक क्वेश्चन, उसको आपको अपने करके कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको आगे करा दूंगा। राइट द, यहाँ पे दिया हुआ राइट द, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड एडिंग एंसेस और एंसेस टू ईच। इसमें एंसेस यार या एंसेस या इंसेस ए या फिर एंस लगा के आपको बताना है। इंडोर का इंडोरेंस, ठीक है, पेरिस्ट का पेरिस्टेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्निफाई का सिग्निफिकेंस, कॉन्फाइड का कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप कॉन्फिडेंस मतलब समझते हैं ना, कॉन्फिडेंस मतलब सबके लास्ट में क्या लगाना है आपको, ए एन सी ई या फिर क्या लगाना है, ई एन सी ई यही लगाना है सभी के लास्ट में। ठीक है, जैसे मेंटेन इसको जगह मेंटेनेंस, जैसे एबोरेंस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। बात करते हैं मैच वर्ड अंडर ए ए विथ, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आप दिया रिमोट, यहाँ पे आपको मैच करना है रिमोट डिफिकल्ट किससे किससे मैच होगा, तो आपको मैच करना है सिर्फ मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आप बताते हैं मैच द ए वर्ड विद बी, तो आपको इसको मैच करना है सिंपली। तो आपको बता दें पहला वाला जो है आपका मैच होगा
रिमोट फार अवे फ्रॉम, आप इसका आंसर दिया है, आपको बता दें ये आपका आंसर दिया, आप इसको वीडियो पॉज करके इतने में आपको अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका आखिरी क्वेश्चन जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसका भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करें और देख के इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसलिए बहुत सिंपल, अपने बुक में भी इसको खोल सकते हैं। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर जितने करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प होगा सबका। तो चलते हैं एक और वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे अच्छा आएगा पर रिस्पॉन्स, तो अगली वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय।